छत्रपति शिवाजी महाराज जब कभी भी अपनी कोई सीक्रेट बात करते थे तो आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक खलबत खाना यहाँ पर बनाया था जिसके अंदर बैठकर वो अपने एक प्रमुख व्यक्ति बहरजी नाई के साथ में इस रूम के अंदर जाते थे और यहाँ जाने के बाद में वो अपनी सारी सीक्रेट्स बातें यहाँ पे किया करते थे। आज के वक्त में हम देखेंगे जो खलबत खाना है यानी कि सीक्रेट टॉकिंग रूम, ये कुछ स्टेप्स नीचे जाकर एक अंडरग्राउंड के अंदर एक रूम सा हमें दिखाई मालूम पड़ता है। सो इसको अभी क्लोजली जाकर हम लोग देखने वाले हैं कि ये खलबत खाना यानी कि सीक्रेट रूम कैसा बना हुआ है। यहाँ से हम लोग आ गए हैं और ये हमारे पास है दोस्तों टॉर्च, और टॉर्च की मदद से तो हम यहाँ की चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। सो पहले आप ये पूरा रूम देख लीजिए भाई, कैसा एक ये रूम का स्ट्रक्चर दिया गया है, नेचुरल तरीके से लाइटिंग अंदर आने का इसका पूरा सिस्टम बनाया गया है। एक मिनट के लिए मैं है ना यहाँ पे लाइटिंग बंद करके आपको दिखाता हूँ कि विदाउट लाइटिंग यहाँ पर कितना अंधेरा होगा और बाहर की लाइटिंग कैसे अंदर आती है। ये देखो हमने लाइटिंग कर दिया है बंद, सामने की तरफ से बस जो द्वार है ना यहाँ पर आपको लाइटिंग फील हो रही है। सो दोस्तों ये है पूरा खलबत खाना यानी कि सीक्रेट टॉकिंग रूम, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रमुख व्यक्ति बहरजी नाई, जो कि वेश बदलने में बहुत माहिर थे, उनके साथ बैठकर सारे सीक्रेट बातें किया करते थे। और इस रूम के बाद देखते हैं कि क्या कुछ हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय की स्ट्रेटेजी को देखने का मौका मिलने वाला है। रायगढ़ किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में यहाँ के सैनिकों के लिए और उनके लिए जो खाने की व्यवस्था होती थी वो इसी स्थान से होती थी। ये है उस वक्त का रसोई, और इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है जिस पत्थर में आपको ऐसा आधा होल दिखाई देगा। इससे पता लगता है कि मसाले वगैरह पीसने के लिए ओखली वगैरह का इस्तेमाल इस पत्थर से किया जाता था, और इसीलिए इस वाले हिस्से को हम कहते हैं उस वक्त की रसोई घर। बाकी छोटे बड़े पॉइंट्स हैं उनको भी कैप्चर करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नगाड़ खाने दरवाजे के ऊपर, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा बड़ा द्वार बना हुआ है ना, इस द्वार के ऊपर आपको हाथी और शेर उकेरे हुए दिखाई देंगे। तो इससे जुड़ी एक घटना बनती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने के बाद में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बड़े बड़े हाथियों को खड़ा किया गया था। तो उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर भी यहाँ पर आया था, तो जब वो पैदल चलकर आया ना बड़ा थक गया वो, तो वो सोचा कि जब मैं पैदल चलकर आया हूँ और इतना थक गया तो ये इतने बड़े बड़े हाथी यहाँ पर कैसे आए होंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे राज्य की सेना के अंदर नारायण, उन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने पूछा उनसे कि भाई हाथी कैसे लेकर आए आप यहाँ पे। तो उन्होंने अंग्रेजी अफसर को कहा कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप इसका आंसर खुद ढूंढिए। लेकिन वर्तमान के जो इतिहासकार हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि को एक नज़ारे से दिखाया कि जिस समय वो हाथी के बच्चे पैदा हुए थे, छोटे छोटे थे, तो उनको पालकी के अंदर लेकर यहाँ पर आए थे, और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही जानते थे कि उन हाथियों का इस्तेमाल इस किले के ऊपर कैसे करवाना है, क्योंकि हाथी को बड़ा होने में 3 साल का वक्त लगता है, किला तैयार हुआ 14 वर्षों के अंदर। तो ये उनके एक दूरदृष्टि का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसीलिए आज हम उनको दिल से नमन करते हैं। और यहाँ पर हम स्वराज के पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे, जहाँ पर 6 जून 1674 के वक्त में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, और यहाँ पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते थे उनकी सुरक्षा के लिए। और ये वो दिन था जिस समय 6000 सैनिक इस पूरे बड़े हॉल के अंदर आए थे और उस राज्याभिषेक के अंदर स्वराज की सबसे पहली जो गूंज है उसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पूरे हिस्से के अंदर 6000 सैनिकों के बीच में हमारे प्यारे हमारे वीर बहादुर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पीछे इस दरवाजे को देख सकते हैं, नगाड़ खाने के ऊपर बड़े बड़े ढोल लगे रहते थे, शाम को 5:30 बजे उन ढोलों को बजाया जाता था इस बात का संकेत देने के लिए कि अब इस किले के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए। और राजे का हुक्म था कि दरवाजे बंद होने के बाद में केवल हवा अंदर आ सकती है और पानी बाहर जा सकता है, वो कानून उनके स्वयं के लिए भी लागू होता था। चाहे बेशक से उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी आता हूँ 5:30 बजे बाद तो मुझे भी किले में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। और ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर इकोसिस्टम बना हुआ है इन स्टोन्स की वजह से, अगर आप यहाँ खड़े होकर क्लैप करोगे या इवन कागज़ को भी टियर करोगे तो इस पूरे हिस्से में जो इको है वो गूंजती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन दर्शन करने वाले हैं सामने की तरफ बने हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सुंदर एक प्रतिमा। और राज तिलक इनका 1674 में हुआ, 1670 से 1680 तक ये यहीं पर रहे,
और सामने की तरफ आप जो पंच धातु की छतरी देख रहे हैं, 1985 के वक्त में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा इसको लगाया गया था। और ये मूर्ति महाराज की यहाँ पर 6 जून 2009 को इन्हीं के वंशज कोल्हापुर के युवराज श्री छत्रपति संभाजी राजे भोसले के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 32 मण सोने का सिंहासन हुआ करता था, यानी कि 1280 किलो का सोने का सिंहासन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ करता था। और 1680 जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली, तो उनके बहादुर बेटे ने 9 वर्षों तक यहाँ पर उस राजपाट को संभाला और मुगलों का विरोध किया। लेकिन 1689 के वक्त में मुगल शासकों के एक सेनापति जुल्फिकार ने यहाँ पर हमला किया और 1280 किलो का सोने का छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंहासन था उसको वो लूट कर ले गया था। लेकिन आज के समय में हमारे महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए, इनकी उस बैठने के स्टाइल से ही आप उनकी बहादुरी, साहस और स्वराज की उस उद्देश्य को पूरा करने की जो गौरव है वो इनके इस एटीट्यूड से ही आप पहचान सकते हैं। और ये पूरा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दीवाने आम, यानी कि सामान्य लोग यहाँ बैठते थे, अपनी शिकायतें, अपनी बातें राजे से करते थे और राजे उनके लिए समाधान भी ढूंढा करते थे। तो आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है अपने भारत के उन वीर शिरोमणि बहादुरों को यहाँ इतिहास में देखते हुए। इन्हीं से रिलेटेड एक कहावत भी बनती है दोस्तों, वो मैं आपको सुनाता हूँ। काशियों की कला जाती मथुरा में मस्जिद बसती, अगर ना होते शिवराय तो सुन्नत सबकी होती। सो इससे हम समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने उस योगदान से हमें बचाया और उन मुगलों के अत्याचार से इन्होंने हमेशा लड़ाई करी, उनको दबा के रखा और कभी भी इस क्षेत्र में उनकी आंख तक भी यहाँ पे नहीं पड़ी। अब देखेंगे क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं होली चौक पे, जहाँ पर होली का जो समारोह बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बताते कि इसी स्थान पर होलिका दहन के वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जलती हुई होली के अंदर एक नारियल को डाल दिया जाता था और जो भी व्यक्ति उस नारियल को अपने हाथ से निकालता था ना, उसे 1.25 मण उनके हाथ का सोने का कंगन और एक घोड़ा बख्शिश में दिया जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी, युवराज अवस्था में 9 साल की उम्र में उस जलती हुई होलिका में से उस नारियल को निकाल लिया करते थे। तो ये उनकी बहादुरी के बातें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत सुंदर हमें प्रतिमा देखने को मिल रही है और इस प्रतिमा की यदि हम कुछ बात करें, 2012 में इसके ऊपर की छत लगाई गई थी। मूर्ति 1974 के वक्त में गणेश पाटकर शास्त्री जी द्वारा बनाई गई थी और इसका शिलान्यास इंदिरा गांधी के हाथों से ही किया गया था। ऐसा बताते हैं कि ये वाली जो प्रतिमा है ये मुख्य राज तिलक वाले स्थान पे लगाई जानी थी, लेकिन इसको होलिका चौक के अंदर लगाने का कारण है, जब कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पे बैठते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंहासन था 32 मण का, जिसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 किलो का बनता है, तो वो उस सिंहासन में बैठने से पहले अपनी जूती को उतार दिया करते थे। लेकिन इस प्रतिमा के अंदर मूर्तिकार ने जूती को दिखाया है, इसलिए इस प्रतिमा को यहाँ वाले हिस्से में हम देख सकते हैं। इस होलिका चौक के साथ में ही उस वक्त का बाजार सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जिसको आगे जाके हम देखेंगे। आइए अब हम देखने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में यहाँ पर जो बड़ा बाजार लगता था, उस बाजार के अंदर जितने भी मेल थे वो तो आते थे घोड़े के ऊपर और जो फीमेल थी वो आती थी पालकी के ऊपर। इसलिए आप इन बाजार की जो संरचना उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, यानी कि आप घोड़े पे बैठे बैठे भी चीज़ों को खरीद सकते हैं या फिर जो फीमेल आती थी पालकी में वो डायरेक्टली यहाँ से सामान खरीद लेती थी। इसे बोलते दोस्तों नागपा बाजार, एक कर्नाटक के व्यक्ति जो यहाँ के मुख्य अधिकारी थे इसीलिए इसका जो नाम है वो उन्हीं के नाम पे भी रखा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सोने चांदी का व्यापार हुआ करता था, इसी के साथ साथ में बाकी जितनी भी चीज़ें थी सब इस बाजार के अंदर उपलब्ध रहती थी। इसकी एक संरचना को हम समझ लेते हैं, यहाँ पर उनकी दुकानें वगैरह लगा करती थी, जितने भी व्यापारी लोग थे यहाँ पे अपना सामान रखते थे वो बेचने के लिए। पीछे वाले हिस्से में उनका स्टोर रूम हुआ करता था, जो भी सामान यहाँ रहता था उसको स्टोर करके यहाँ रखते थे। और इससे पीछे वाले हिस्से में उनका रहने का कक्ष होता था, रुकने के कमरे होते थे, तो एक ही स्थान पे आपको
दुकान, स्टोर और उनके घर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत लंबाई तक, बहुत दूर तक ये वाला बाजार फैला हुआ है। और इस बाजार की विशेषता यही है कि यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध रहती थी। और आज के वक्त ने देखा होगा आपने कि जो सीढ़ियां होती घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन ये व्यवस्था देख सकते हैं आप कि इस चौखट से बिल्कुल अंदर की तरफ सीढ़ियां बनाई गई, यानी कि एक व्यवस्थित सिस्टम को दिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की गई है। और एक कतार के साथ में यदि हम अपनी नजरों को इस दिशा में आगे की तरफ लेके जाते हैं ना, तो दूर तक फैला हुआ ये बाजार, जहाँ पर राइट और लेफ्ट की तरफ बनी है ढेर सारी यहाँ की दुकानें। और एक दीवार के ऊपर हमें ना स्नेक यानी कि नाग का सिंबल भी देखने को मिलेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा बस आपको आगे की तरफ आना पड़ेगा यहाँ, और इस सिंबल को आप देखेंगे कि एक शेष नाग की जो कला है यहाँ देखने मिलेगी मूर्ति पे। बस ये यही सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जो नागपा नाम के मुख्य अधिकारी थे, वो जिस संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे, तो वो जिन भगवान को मानते थे या जिनकी विशेषता रखते थे, उनका एक सिंबल यहाँ पे दिया गया है। अब जाएंगे आगे की तरफ, देखते क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। आ जाइए।